हेलो एवरीवन, मैं आभा, आपकी गार्डनर दोस्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारा मैं एक प्लांट रिपोर्ट कर रही हूँ। और ये देखिए, ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये बोगनविलिया के प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं समर सीज़न के सॉरी परमानेंट फ्लावर प्लांट होते हैं ये बोगनविलिया, और गार्डन को बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी देते हैं। और हार्डी प्लांट होते हैं, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखिए, ये दो प्लांट मैंने लाए हुए थे। तो सबसे पहला प्लांट ये देखिए, ये चित्रा वैरायटी का है और इसके जो लीव्स है ना, देखिए ये बिल्कुल सिंगल स्टेम में लगा हुआ है, पतली सी इसकी स्टेम है। और इसके जो फ्लावर्स होते हैं देखिए, क्रीम कलर और टिप पर थोड़ा सा पिंकिश है। और ये वाला देखिए, ये येलो वैरायटी का है। तो ये दोनों, ये चित्रा वैरायटी है और ये देसी वैरायटी है। तो इसी को चलिए मैं रिपोर्ट करती हूँ। और इसे किसी भी सॉइल में आप लगा सकते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन मेरे पास जो गार्डन सॉइल था नॉर्मल, जो अपने मैं गार्डन के लिए बनाती हूँ, वही सॉइल मैं इसे दे रही हूँ। तो इस टाइप के पॉली बैग में लगे हुए हैं। तो मैं इसे देखिए बिल्कुल छोटा सा मतलब पॉट दे रही हूँ। इसे ज़्यादा बड़े की पॉट की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना इसमें रूट बॉन्ड होता है ना, उतने ही अच्छे से फ्लावरिंग होते हैं। तो ये इसका अर्ली स्टेज है, तो मैं इसे अभी बिल्कुल छोटा सा ही पॉट दूंगी, क्योंकि ये जो प्लांट मैं स्पेशली बोनसाई के लिए लाई हूँ, तो मैं इसी में इसे ही बढ़ने दूंगी, रूट बॉन्ड होने दूंगी। उसके बाद मैं इसका सोच रही हूँ कि कुछ बोनसाई बनाऊँ। और एक प्लांट मैंने और लिया है, तो उसको हम मतलब दूसरी जगह लगाना है फार्म हाउस में। तो चलिए इसको रिपॉट करते हैं। रिपॉट के लिए देखिए, मैंने 6 इंच का पॉट लिया हुआ है और नीचे मैंने राइस हस्क डाल दिया है और गार्डन सॉइल है, वर्मी कंपोस्ट है और नीम की खली, और थोड़ा सा मेरा पुराना जो सॉइल है वही है, राइस हस्क दिख रहा होगा आपका। बाकी मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। और चलिए इसको रिपॉट करते हैं। तो सबसे पहले तो इस पॉलीथीन से हम निकाल लेंगे, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मतलब प्लांट को निकाल लिया है। और जो ये वाला प्लांट है, इसमें तो बिल्कुल देखिए कटिंग ही लगा है और रूट बिल्कुल भी नहीं है, छोटा सा ही इसमें देखिए, बिल्कुल ये देखिए वाइट वाइट सा दिख रहा होगा आपको। तो सिंगल स्टेम थी ये प्लांट। और ये वाला जो है ना, इसका अच्छे बहुत अच्छा रूट है। तो चलिए इसका जो हम रिपोर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, एज इट इज़ मैंने ऐसे ही रख दिया है इसे पॉट पर। और ये देखिए, इस टाइप से मेरे पास गार्डन सॉइल है, मैं उसे ऊपर से डाल दूँगी। और इसके बोगनविलिया की बहुत सारी वैरायटी आती है, डिफरेंट डिफरेंट सेट में, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं इसमें। तो अपने गार्डन पे आप बोगनविलिया के प्लांट को ज़रूर ऐड करिए, बहुत ग्रीनरी देते हैं। और विंटर में तो आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे फ्लावरिंग के लिए, लेकिन समर में मतलब बहुत कम होते हैं हार्डी प्लांट, जिसे केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा। तो इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करिए, आपको आपके जो गार्डन है ना, उसमें पूरा 12 मंथ ही ग्रीनरी देगा और फ्लावर भी देगा। तो ये देखिए, इस टाइप से मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। और ये पॉट इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब ज़्यादा बड़े पॉट की इसकी ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी जो 2-3 वेराइटियाँ आती है ना, बहुत सुंदर से ब्लूम करती है। तो मेरे गार्डन पे जो जो हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी वेराइटी है। तो बस फ्रेंड, इतने मतलब इसको ऐसे ही रिपोर्ट करना है। और चलिए मैं आपको जल्दी से अपने गार्डन के बोगनविलिया प्लांट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा ट्री शेप का बहुत ही ओल्ड है ये प्लांट है। और इसमें देखिए बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग मतलब हो रही है, पिंक कलर की ड्रॉप वेराइटी है। और ये ट्री शेप में है, देखिए लगभग ओल्ड मतलब 2 या 3 ईयर ओल्ड प्लांट है। जब मैंने इसे नर्सरी से बाय किया था ना, तो ये उन्होंने बताया था कि ये 2 ईयर ओल्ड प्लांट है। और इसी की जो मैंने अभी दिखाया है, और इसी की कटिंग से मैंने ये वाले प्लांट लगाए थे। तो इसको देखिए, इस टाइप से मैंने सेलो पार्ट पे लगाया हुआ है, ताकि इसे मैं थोड़ा सा बोनसाई का लुक दूँ। बोनसाई में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। और एक वैरायटी देखिए ये वाला है, जिसमें फ्लावरिंग चालू हो रही है, वाइट कलर का है। और ये सबसे ब्यूटीफुल है, ये वाला प्लांट मैं आपको दिखाती हूँ। तो सभी की मैंने प्रूनिंग और रिपोर्टिंग की वीडियो आपसे शेयर करी हुई थी। तो ये देखिए, इस पर पिंक कलर, बिल्कुल डार्क जो पिंक बोलते हैं ना, वही कलर है ये। और बहुत ही सुंदर देखिए ये प्लांट का मेरा ग्रोथ है। और ये थोड़ा सा लाइट पिंक है ये वाला, और मोगरे की खुशबू यहाँ बहुत अच्छी आ रही है।
देखिए मेरे जो मोगरे के प्लांट है उसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, इसे भी मैंने रिपॉट किया था। और ये वाली जो वैरायटी है ना, ये भी बहुत सुंदर वैरायटी है जो जिसे मैंने अभी रिपॉट किया है, इसी टाइप की वैरायटी है। और एक प्लांट देखिए मैंने आपको नहीं दिखाया है, ये देखिए ये वाला, इसे मैंने रिपॉट नहीं कर रही हूँ, पॉलीथीन में ही लगे रहने देती हूँ, इसे मैं दूसरी जगह रिपॉट करने वाली हूँ। और ये वाला जो अभी मैंने आपको दिखाया ना, ये उसकी ड्रॉप वैरायटी है, इसमें डबल पेटल्स के फ्लावर आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन पे ज़रूर बोगनविलिया के प्लांट ऐड करिए। तो बस फ्रेंड इतना ही बताना था। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।